आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। जैसे आप ये फॉर्मेट पेंटर देख रहे हैं, अब इसका क्या पर्पस होता है? जैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर पार्ट्स लिखा है एज ए हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हम इसे बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर दिया और यहां से इसका साइज चेंज किया। अगर आप चाहें तो इसे फॉन्ट के एरो के अंदर जाके इसे स्मॉल कैप्स दे दीजिए, और जो भी अदर कोई साइज या कोई राइटिंग सेट करना चाहे तो वो राइटिंग भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ओके किया। अब हम चाहते हैं जो हेडिंग्स हमने बना दी है कंप्यूटर पार्ट्स की, वही सेम इस कैटेगरी के ऊपर भी होनी चाहिए। वो है तो ये भी एक हेडिंग ही, तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा, फिर से कैटेगरी को सिलेक्ट करें, फिर वही सेम बोल्ड अंडरलाइन कलर ये सब करना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करें क्या? सिलेक्ट करके ये कॉपी किया, अब इसे क्या होगा, पेस्ट करके देखते हैं, वही सेम वर्ड रिपीट हो गया। लेकिन हमें वर्ड रिपीट नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो उसके अंदर की फॉर्मेटिंग है, जो उसके अंदर हमने साइज और बोल्ड सब किया है वो सब अप्लाई करना है। डेट मीन्स वर्डिंग को नहीं, उसकी डिजाइनिंग को कॉपी करना है। तो एक सिंपल प्रोसीजर, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस फॉर्मेट पेंटर पे प्रेस करेंगे। देखिए फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी के आगे आके देखिए ब्रश आ रहा है। अब इस कैटेगरी के ऊपर आप मूव ऑन कर लीजिए, इट मीन्स कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए, हो गया। जो हमने कंप्यूटर पार्ट्स में साइज रखी थी, फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट चेंज किया था, कलर दिया था, एवरीथिंग सब यहाँ पे आ गया। क्या किया फिर से देख लेते हैं। आइए पहले मॉनिटर को सिलेक्ट करते हैं, इसमें जस्ट सिंपल सा बोल्ड किया और इसका साइज चेंज किया और इसे कलर दे देते हैं, डन। अब यही सेम प्रोसीजर हम अगर चाहें तो सपोज स्कैनर पे देना है, तो पहले आपको क्या करना है, मॉनिटर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आना है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। फॉर्मेट पेंटर लिया, अब आपको जिसके ऊपर चाहिए आप जस्ट उसके ऊपर वो ब्रश मूव ऑन कर लीजिए, वो सेम फॉर्मेटिंग वहां पे अप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप सपोज आउटपुट डिवाइस लिखा है, हमने इसको अंडरलाइन दे दी और इसका साइज चेंज कर दिया और इसका कलर चेंज किया, ओके। अब यही सेम फॉर्मेटिंग हमें इस लास्ट वाले इनपुट डिवाइस पे चाहिए, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर वहां से ले रहे हैं ना, आप चाहें तो वही फॉर्मेट पेंटर कीबोर्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एरो रखने पे दिखा रहे फॉर्मेट पेंटर कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। अब हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट सी, सी स्टैंड फॉर कॉपी, लेकिन अभी ये कंट्रोल के साथ किया है और शिफ्ट के साथ किया तो ये फॉर्मेट पेंटर के लिए अप्लाई है। इसको सिलेक्ट किया, अब कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी, देखिए ये हो गया, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट हो गया। नॉर्मल कंट्रोल वी करते हैं तो ये पेस्ट करता है और नॉर्मल कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी के लिए होता है, लेकिन अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट सी किया तो वो फॉर्मेट पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डिजाइन को कॉपी करता है, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं तो वो डिजाइन को पेस्ट करता है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं, जैसे ये मॉनिटर हमने लिखा है, ये इन सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए डिजाइन, लेकिन अभी सिलेक्ट कैसे करें, अब मॉनिटर को तो सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर भी ऑन कर लेंगे, लेकिन दूसरों के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है ना पोर्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिर्फ लेफ्ट पोर्शन ही सिलेक्ट होता है, और अगर आपने अल्ट दबा के राइट पोर्शन को सिलेक्ट किया तो देखिए ये सिर्फ राइट पोर्शन ही सिलेक्ट होने वाला है। अब हम मॉनिटर को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर ऑन किया, कीबोर्ड से क्या करना है, हमें अल्ट को प्रेस करके इस माउस को मूव ऑन करना है। देखिए सबके ऊपर अप्लाई हो गया भाई फॉर्मेटिंग, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर ऑन किया, कीबोर्ड से क्या करते हैं हम अल्ट प्रेस करके इन सभी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं इस फॉर्मेट पेंटर को। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग जो डिजाइनिंग ली हुई है उसको कॉपी पेस्ट करता है, और जो अदर कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस हैं वो तो आप नॉर्मली करते ही हैं वर्डिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा सिंपल टॉपिक फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।